नमस्कार दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया मस्त हैं, मजे में होगे। तो आ गया मैं और एक नया वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी को एक ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जिस टिप्स को यूज करके तुम ईएमपी का गोट बनने वाले हो। मतलब सीरियसली तुम जो है ईएमपी को गोट लेवल पे यूज करने लगोगे। अगर तुम्हारे पास ईएमपी होगा ना, तो सिर्फ तुम बंदे को खोबड़ी ही पड़ोगे। तो यार वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो यार हेडशॉट मारने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है फायर बटन का साइज एंड फायर बटन का प्लेसमेंट। अगर तुम्हारा फायर बटन का साइज छोटा बड़ा होता है या फिर प्लेसमेंट गलत होता है, तो तुम्हारा हेडशॉट लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो क्या करना है तुमको, अपना फायर बटन का साइज एंड प्लेसमेंट अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ठीक से सेट करना है। मैं यहाँ पर बताऊंगा कैसे तुमको अपना डिवाइस के अकॉर्डिंग फायर बटन का प्लेसमेंट एंड साइज ठीक करना है। देखो यार, मेरा जो फायर बटन का साइज रहता है यार, आप भी जो रखोगे वो है 45 से 55 के अंदर, उससे ज़्यादा कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर 45 में रखता हूँ, तुम 45 पे रख के देखो या फिर 55, इसके अंदर तुमको रखना है, इससे बाहर नहीं। ठीक है, ये साइज के अंदर रखना है। अभी तुमको अपना प्लेसमेंट ठीक से करना है। देखो यार, प्लेसमेंट करने के लिए देखो, तुम अपना फ़ोन का जो राइट साइड में, राइट साइड का जो स्क्रीन होता है वहाँ पर दो फिंगर रखिए, दो फिंगर का गैप के अंदर, मतलब दो फिंगर के बाद अपना जो फायर बटन के वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक से देख लो। अब नीचे के साइड से जो है एक फिंगर रखो और उसके ऊपर आके तुम अपना फायर बटन को ठीक से एडजस्ट कर लो। ठीक है, देखो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके। देखो, नीचे के साइड तुमको एक फिंगर रखना है और उसके ऊपर फायर बटन रखना है, और जो है तुम्हारा राइट साइड में दो फिंगर रखना है, उसके ऊपर फायर बटन रखना है। देखो मेन बात जो ये है कि तुम्हारा जो फायर बटन है वो राइट साइड से दो फिंगर इस साइड होना चाहिए और लेफ्ट नीचे के साइड से दो फिंगर ऊपर के साइड होना चाहिए। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम जो अपना फायर बटन को ईजिली मूवमेंट कर सकते हो। देखो ध्यान से देख लो कहाँ पर मैंने फायर बटन का प्लेसमेंट किया है, तुम लोगों को देख के समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब देखो फायर बटन का प्लेसमेंट और साइज ठीक करने से ही तुम्हारा हेडशॉट लगना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। इसके लिए तुमको अपना सेंसिटिविटी भी ठीक करना पड़ेगा। अब देखो सेंसिटिविटी ठीक क्या ही बोलो यार, सेंसिटिविटी बस तुमको क्या करना है, फुल कर देना बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो यार, तुम लोग ज्यादातर एक ही गलती करते हो जिसके वजह से तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगता है। जैसे तुमको बंदा दिखता है, तुम क्या करते हो, फायर बटन को पकड़ के सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो, मतलब जितना जी जान लगा के फायर बटन को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देते हो। ऐसा करते हो तो तुम्हारा एक आध हेडशॉट लग सकता है, लेकिन भाई ज्यादातर हेडशॉट तुम्हारे मिस होने वाला है, क्योंकि यार ये ऑटो गन है ना, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। जैसे ही तुमको बंदा दिखता है, ठीक है, जैसे बंदा दिखता है पहले तुमको फायर बटन का टच करके थोड़ा सा नीचे की साइड खींचना है, उसके बाद ऊपर खींच देना है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ऐसे पकड़ के ही खींच देना है, ऐसे खींचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो धीरे से करना है, जो भी करना है धीरे से, पहले फायर बटन को टच करो, उसके बाद थोड़ा नीचे की साइड खींचो, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच रहो। जब तक तुम्हारा गन से गोली निकलेगा तब तक तुम्हारा फिंगर ऊपर की तरफ स्वाइप होता रहेगा। ठीक है, एक ही झटके में ऊपर की तरफ खींच नहीं देना है। अब देखो, जैसे देखो पहले मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा था, अब देखो कैसे लग रहा है, ऐसे थोड़ा सा नीचे खींच के धीरे धीरे ऊपर खींच रहा हूँ। जब तक तुम्हारा गोली गन से निकल रहा है तब तक तुम्हारा फिंगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल होना चाहिए। एक ही झटके में ऊपर उठा दोगे, ऊपर चढ़वा दोगे अपने फिंगर को, तो हेडशॉट नहीं लगेगा। तुमको यहाँ पर फर्क देख ही रहा होगा, पहले कहाँ हेडशॉट लग रहा था, अब देखो ज़्यादातर गोली हेड पे लग रहा है। अब देखो ये मेरा खुद का डिवाइस नहीं है, इस डिवाइस में मैं नहीं खेलता, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर मैं इस डिवाइस में कुछ दिन खेलने लगूँ तो भाई फिर से हाथ सेट हो जाएगा। अब देखो और एक चीज़ देखो, देखो बंदा अगर तुम खड़े एक जगह पर खड़े होकर तुमको मार आए, तो तुम उस केस में ऐसा अगर करते हो तो देखो ऐसे करते हो तो तुमको हेडशॉट लगता है। लेकिन अगर बंदा तुमको मारते मारते लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जा रहा है, तो बंदा जिस साइड में जा रहा है तुमको अपना फायर बटन को उसी साइड में खींच के ले जाना है। देखो जैसे कि मान लो बंदा तुम्हारा सीधा खड़ा है तो सीधा लेके जाओ, बंदा अगर लेफ्ट साइड में भाग रहा है तो तुमको फायर बटन को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है, ऐसे ही तुमको हेडशॉट लगेगा। अगर बंदा राइट साइड में भाग रहा है तो तुमको क्या करना, सिंपल सी बात है, अपना फायर बटन को नीचे खींच के राइट साइड पर लेके जाना है। मेन बात यह है कि बंदे का हेड जिस तरफ पे जा रहा है, जिस तरफ पे बंदे का हेड जा रहा है, तुमको उसी तरफ पे यहाँ पर जो अपना फायर बटन का वहाँ पर ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं तुमको मैच में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ अपने डिवाइस में, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए। देख जैसे कि यहाँ पर एक सीन देखो, ये देखो दो बंदे यहाँ पर था, मैंने दो बंदे को खत्म कर दिया। अब देखो सीन क्या हुआ, मैं तुमको रिवाइंड करके स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर आगे आया, आगे आते ही देखो यहाँ पर दो बंदा बैठा है। अब देखो दो बंदा एक ही जगह पर बैठा है, लेकिन इस बंदे का हेड देखो किस तरफ है, राइट साइड है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अपना फायर बटन को राइट साइड की तरफ ड्रैग करके रखा हो और इस बंदे को हेड जोड़ो के बंदा मर गया। अब ये बंदा देखो इस बंदे का हेड किधर है, लेफ्ट साइड में। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रैग करके रखूँगा, तो देखो बंदा हेड जोड़ो के किल हो चुका है। अब देखो यार, जब ये सारा ट्रिक तुम पहले यूज़ करने जाओगे तो तुम्हारा थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट में गलती हो जाएगा, खींचना भूल जाओगे ना, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप मतलब
लेफ्ट राइट ड्रैग करना भूल जाओगे, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो 100% तुम्हारा हेड रिजल्ट होने वाला है, जैसे कि इस क्लिप में देख ही सकते हो। अब देखो यहाँ पर तो एक ये बंदा जो है साइड से जा रहा था, तो मैंने क्या किया, देखो स्लो मोशन में देख लो, बंदा धीरे की साइड में हल्का लेफ्ट साइड में भाग रहा था, तो मैंने लेफ्ट साइड में फायर बटन को ड्रैग करके रखा और बंदे का इजीली हेडशॉट होकर बंदा किल हो गया। तुमको भी सेम टू सेम यही करना है, बस तुमको ये देखना है तुम्हारा एनिमी का हेड किस तरफ जा रहा है। अगर बंदा जो है लेफ्ट साइड भाग रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो तुम्हारा एनिमी का हेड है वो लेफ्ट में है। अगर बंदा राइट साइड भाग रहा है तो इसका मतलब यही कि बंदे का जो हेड है वो राइट साइड पे। अब यहाँ पर सीन देखो, इस बंदे ने जैसे हुकुम को ऑफ किया, मतलब जैसे इसका हुकुम खत्म हुआ, बंदा सीधा खड़ा होकर मुझे मार रहा था। मैंने सिर्फ सिंपल नॉर्मल ऊपर की तरफ ड्रैग किया, बंदे का हेड जो होकर किल हो चुके हैं। अब भाई तो यहाँ पर सीन देखो, मतलब दो बंदा यहाँ पर मैंने एक ही झटके में फेल दिया। ये देखो ये बंदा सीधा खड़ा था तो मैंने सीधा हल्का सा ड्रैग किया। अब नेक्स्ट जो बंदा है वो राइट साइड में आगे की साइड आ रहा था, तो मैंने क्या किया, राइट साइड में थोड़ा सा स्वाइप किया। और देखो ध्यान से, ये देखो बंदा इस साइड से सीधे इधर आ रहा है, तो मैंने अपना क्या फायर बटन को थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ड्रैग किया और बंदे का इजीली हेड जो रह चुका है। और तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि वीडियो तुमको अच्छा लगने लगा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब देखो जो मेन चीज़ है, देखो यार कैरेक्टर का जो स्किल है वो भी जरूरत है हेडशॉट के लिए। देखो यार तुमको एक अच्छा सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। अब मैं कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ मैं तुमको ये बताऊँगा, ठीक है। देखो यार तुमको जो है मैं दो कैरेक्टर दूंगा, ये दो कैरेक्टर मास्ट होने वाला है जो तुमको अपना मतलब हर एक मैच पे यूज़ करना है। अगर तुम हेडशॉट मारना चाहते हो तो इस दो कैरेक्टर का जरूरी यूज़ करो। ये देखो ये दो कैरेक्टर, ये मेल है ये फीमेल है, ये दो कैरेक्टर मेन मस्ट, मतलब ये दो कैरेक्टर तुम्हारे पास रहने ही चाहिए अगर तुम हेडशॉट मार के बंदे को किल करना चाहते हो तो। और बाकी का जो दो कैरेक्टर है वो तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो। और तीसरे नंबर कैरेक्टर में तुम के लगा सकते हो, वो लोग लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। और चौथे में ये वाला कैरेक्टर लगा सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पर जस्टिन बीबर लगा है, तुम अपने मर्जी से लगा सकते हो। तो बस यार वीडियो तो इतना ही, सारा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो एंड ट्रेनिंग मोड में जाकर ट्रेनिंग कर लो, वरना किसी काम का नहीं होगा। तुम इतना वीडियो देखो फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस फिर आजकल लिए इतना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आजकल इतना, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।